नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं दुनिया का मशहूर रेस्टोरेंट मोती महल, अब आपके शहर आजमगढ़ में, सेंट्रल बैंक के नीचे पुरानी सब्जी मंडी आजमगढ़, रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स प्रथम तल, जालांस मेगा शॉपिंग मॉल आजमगढ़ और वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के रहने वाले महान शिक्षाविद अल्लामा शिबली नुमानी ने 1883 में शिबली नेशनल कॉलेज की आधारशिला रखी थी। आज 18 नवंबर को शिबली डे के रूप में ये कॉलेज अपनी वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर प्रदेश के बड़ी संख्या में शिक्षाविद उपस्थित हुए हैं, जो अपने अनुभव व पुरानी यादें साझा कर रहे हैं। जिले में शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ से बड़ी संख्या में मेधावी निकले हैं। आज भी दूसरे प्रदेशों से बड़ी संख्या में रिसर्च स्कॉलर यहाँ आते हैं। आजमगढ़ मुस्लिम सोसाइटी के प्रेसिडेंट शौकत अली का कहना था कि इस कॉलेज का नाम नेशनल कॉलेज अंग्रेजों के जमाने में रखा गया था। उस समय नेशनल शब्द का प्रयोग अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगता था। अल्लामा शिबली नुमानी सर सैयद अहमद खान के बेहद करीबी थे और अलीगढ़ से शैक्षिक जीवन शुरू किया। किसी बात पर दोनों लोगों में विवाद हो गया तो अल्लामा शिबली नाराज होकर लखनऊ के नदवा कॉलेज चले आए और बाद में अपने जिले आजमगढ़ आकर नेशनल कॉलेज की स्थापना की। शिबली नुमानी आजमगढ़ को अलीगढ़ की तर्ज पर शिक्षा का हब बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में अल्लामा शिबली नुमानी ने जो योगदान दिया उसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि इस कॉलेज में नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, बंधुत्व, भाईचारा है। आज भी दूर दूर से छात्र यहाँ शिक्षा लेने आते हैं। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर अलाउद्दीन खान ने कहा कि शिबली डे पर शिक्षा व उसकी गुणवत्ता कैसे बढ़े के साथ ही साथ भाईचारा बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। शिबली डे के सिलसिले में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं शिबली को खराज अकीदत पेश करने के लिए, उनके खिदमात को बयान करने के लिए, उनके बारे उनके जो रास्ता उन्होंने बताया उस पर चढ़ने के लिए, और कॉलेज की जो उनका ख्वाब था कि कॉलेज कैसे बने और कितना ऊंचा हो और कितना अच्छा हो जाए, ये पहले इसकी बड़ी तारीख थी, आज किसी तरफ गर्दाब में है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि फिर ये अपने मुकाम को हासिल कर ले और उम्मीद यह है कि इसको बहुत आगे तक हम लोग ले जाएंगे कॉलेज को। और चूँकि शिबली ने एक रहनुमाई हमको दी है और जज्बा, शौक, हिम्मत, ये सब चीज़ें उन्होंने दी है, उसके लिहाज से हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पैगाम है कि अल्लामा शिबली एक सेकुलर मिजाज का ध्यान रखते थे। उन्होंने कॉलेज जब कायम किया तो उस वक्त हिंदुस्तान का कोई बच्चा अंग्रेज़ों के सामने नेशनल लफ्ज़ का प्रयोग करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। 1883 में अल्लामा शिबली ने इस स्कूल का नाम नेशनल स्कूल रखा, तो ऐसे सेकुलर मिजाज रखने वाले ऐसे नेशनलिस्ट आदमी की याद करना हमारा मकसद है और आजमगढ़ और पूरे हिंदुस्तान के लिए जो उन्होंने एजुकेशन के लिए कोशिश की उस कोशिश को याद किया जाए और वो जिस तरह का हिंदुस्तान चाहते थे ऐसा हिंदुस्तान जहाँ पर भाईचारा हो, कौमी यकजहती हो, नेशनल इंटीग्रेशन हो, सांप्रदायिकता बिल्कुल ख़त्म हो जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल कर रहे, ये उनकी सोच थी, तो उनका पैगाम देने की कोशिश है और तलबा को हमें बताना चाहते हैं, यहाँ के स्टूडेंट को बताना चाहते हैं कि आप ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं जिस कॉलेज की बुनियाद अल्लामा शिबली नुमानी ने रखी, जिस कॉलेज की बुनियाद में नेशनलिज्म है, जहाँ सेकुलरिज्म है, जहाँ बंधुत्व है, जहाँ पे भाईचारा है। यही वजह है कि पूरे आजमगढ़ के जो लड़के हैं, जो तालिब इल्म हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि हमारा शिबली कॉलेज में ही दाखिला हो। और हमारा ये कॉलेज इस लिहाज से भी बहुत अच्छा है कि हमारे यहाँ मुस्लिम लड़कों से ज़्यादा हिंदू लड़कों की तादाद है। ये हम फख्र करते हैं कि हमारे भाई जो हमारे बीच में रहते हैं वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, उनसे हमारा एक अच्छा रिश्ता है। इसी अच्छे रिश्ते को आज के बिगड़ते हुए समाज में हम फिर लाना चाहते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार ने बेलेसा स्थित FCI गोदाम में EVM की चल रही फर्स्ट लेवल चेकिंग कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान संबंधित अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि जिला पंचायत राज अधिकारी के आदेश से कुल 56 सफाई कर्मियों की ड्यूटी FLC में सहयोग हेतु लगाई गई थी तथा जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा उक्त सफाई कर्मियों को FCI गोदाम पर उपस्थित होकर FLC कार्य हेतु अवमुक्त कर दिया गया था। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा पाया गया कि FLC कार्य से बिना सूचना के सफाई कर्मी राजहंस, हरिनाथ यादव, घनश्याम, शैलेंद्र कुमार, रामदयाल, विपिन भारती, मुकेश कुमार, संतोष कुमार, दिनेश मौर्य, मंगल देव,
एसओसी स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर पैट इंजीनियर कुलभूषण सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ की सगड़ी तहसील पर 26 अक्टूबर से अधिवक्ताओं और उप जिलाधिकारी से विवाद हो जाने के कारण अधिवक्ताओं ने उप जिलाधिकारी कोर्ट का खुलेआम बहिष्कार कर रखा है और उप जिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार के स्थानांतरण तक कोर्ट नहीं चलने देने की चेतावनी दे रहे हैं, जिसको लेकर आज भी अधिवक्ताओं विरोध जताते हुए नारेबाजी की। इस संबंध में अधिवक्ता समिति सगड़ी के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने बताया कि वकीलों के साथ उप जिलाधिकारी द्वारा अभद्रता की गई, बार बार समझाने के बाद वह नहीं मान रहे हैं और न ही माफी मांग रहे हैं, जबकि हमारी मांग है कि वह माफी मांग ले और पुनः कोर्ट का संचालन सही ढंग से चलने लगेगा, पर परिसर में फोर्स बुलाकर जबरदस्ती कोर्ट चलाना, अधिवक्ताओं को परेशान करने के लिए बिजली कटवा देना और सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को अन्य कोर्ट का संचालन न करने के लिए कह देना आदि आरोप लगाते हुए उन्होंने काफी रोष व्यक्त किया। जबकि उप जिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार ने कहा कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मैं बार बार अधिवक्ताओं को वार्ता के लिए बुला रहा हूं, पर वार्ता करने को तैयार नहीं है। यह अधिवक्ता समिति सगड़ी का आंदोलन एसडीएम गौरव कुमार के दुर्भावनापूर्ण, विद्वेषपूर्ण, बदतमीजीपूर्ण व्यवहार के कारण है। न्याय जो व्यवस्था दी गई है कोर्ट की, उसके अनुसार हम कोर्ट अफसर हैं और वह कोर्ट पीठ अधिकारी हैं, तो अगर वह इस तरह की बदतमीजी करते हैं तो यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अगर उनकी ट्रेनिंग में गलती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। वैसे उनका सहयोग करने वाले भी बहुत गड़बड़ हैं। उन्होंने जो है अपने मातहत कर्मचारियों को निर्देश दे रखा है कि अधिवक्ताओं का कोई काम मत करो, तो रोज की बात हो गई। ये कल मौके पर गए थे और मौके से कह रहे थे हमारे वकील ने कोई कागज दिया ही नहीं है, जबकि वह रेस्टोरेशन का मुकदमा था तर्जीसानी का, उसके उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इन्होंने तर्जीसानी मंजूर कर लिया था, उसके बाद ये मौके पर गए थे। तो ये अनपढ़ जनता को तो बता सकते हैं कि वकील कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोग तो जानते हैं, ये जानबूझकर हम लोगों की छवि खराब करना चाहते हैं। वकील हमेशा गरीब की, कमजोर की और ऐसे व्यक्ति की सहायता करता है जिसकी सहायता कोई नहीं करता, न गुंडा करता है न नेता करता है। सर आपकी क्या मांग? हमारी मांग है कि इनको जो है तत्काल इस तहसील सगड़ी से बाहर कर दिया जाए। सर आपकी मांग नहीं पूरी होंगी तो क्या करेंगे? तब तक हम इनके न्यायालय में कोई कार्य नहीं करेंगे। साथ साथ एक और शिकायत है, इनके तहसीलदार, अपर तहसीलदार और दोनों नायब तहसीलदार इनके दबाव में अदालती कार्य नहीं कर रहे हैं। यह लोगों की न तो इन लोगों के खिलाफ हड़ताल है, न इन लोगों के खिलाफ कोई ऐसा कुछ है। यह लोग जानबूझकर जो है गोलबंदी कर रहे हैं और यह प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। अच्छा सर, कितने दिनों से हड़ताल चल रहा है? यह हड़ताल 26/10/2021 से चल रहा है। नहीं देखिए, मैं तो पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि जो भी बातचीत करना चाहें, यदि बार एसोसिएशन से जो लोग आना चाहें वो आकर अपनी बात कर सकते हैं, बातचीत से मुद्दे का हल निकाला जा सकता है, बातचीत ही अंत में जो है किसी भी समस्या का हल है। सर उन लोगों का एक आरोप आपके ऊपर ऐसा भी कि जो कि गांव में जाते हैं और बिना अधिवक्ता, बिना किसी के कहे जो कि जो लोग होते हैं उनका आपके मुकदमा हल कर देते हैं। नहीं देखिए, मैं कभी भी बिना पक्षों को सुने कोई निर्णय नहीं लिया है, हमेशा पक्षों को सुना जाता है। उन दोनों पक्षों को सुनने के बाद, मौका देखने के बाद, क्योंकि मौके पर जाने से वास्तविकता उसकी पता लग जाती है, मौका देखने के बाद जब संतुष्ट हो जाते हैं तदुपरांत ही आदेश लिया जाता है। तो सर आप जो कि इन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा जो मैं पहले भी दिया था कि न्यायालय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वादकारी जो हैं बहुत दूर से लोग आते हैं, तो यदि बातचीत से इसका हल निकाल के न्यायालय को सुचारू रूप से चलाएं ताकि वादकारियों का जो है हित बना रहे और अधिक से अधिक जो है हम समय बाद तरीके से वादों का निस्तारण कर सकें। बुधवार शाम आजमगढ़ की रानी की सराय में स्थित आजमगढ़ पब्लिक स्कूल कोटिला चेक पोस्ट के प्रांगण में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर अकबर मसूद साहब कुलपति बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी कश्मीर थे, जिनका स्कूल के अध्यक्ष शाह आलम द्वारा स्वागत किया गया। विगत वर्षों में विभिन्न बैचों के IIT, JEE, NEET, AMU, CA फाउंडेशन कोर्स, एरोनॉटिक्स एवं केंद्र विश्वविद्यालय में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को शाह आलम द्वारा पुरस्कार राशि, प्रमाण पत्र तथा लैपटॉप प्रदान कर
सम्मानित किया गया। विद्यालय के अध्यक्ष ने उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले उन मेधावी छात्र छात्राओं मोहम्मद उमर, मोहम्मद अरसलान, आदित्य वर्मा को विशेष पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। श्री आलम ने उक्त की प्रशंसा करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की तथा इन प्रतिभाशाली छात्रों से प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित किया ताकि अन्य छात्रों में भी प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित हो सके जिससे वे अपने माता पिता तथा अपने विद्यालय का नाम रोशन कर सके। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत सत्र 2021-22 के हेड बॉय आशीष यादव तथा हेड गर्ल फातिमा सिराज तथा अन्य छात्रों को सैशी एवं बैच पहनाकर उन्हें अपने कर्तव्यों के निर्वहन की शपथ दिलाई गई जिससे छात्रों में अपने कर्तव्य परायण और जिम्मेदारियों की भावना विकसित हो सकेगी। इस अवसर पर विद्यालय के सह प्रबंधक मोहम्मद नोमान, प्रधानाचार्य हुमा वसीम, सह संयोजिका ऋचा मिश्रा, समस्त शिक्षक एवं शिक्षिका तथा समस्त कर्मचारी गण भी उपस्थित थे। हम अक्सर ये सोचते हैं हम अपने जो हमारे कभी कभी गांव देहात के बच्चे हैं हम लोग उनको बड़ा कमतर सोचते हैं, कभी कभी जुल्म और सितम तो ये कि पेरेंट्स भी सोचते हैं कि हमारा बच्चा कैसे कर सकता है। ये याद रखो यही बच्चे जो हमारे आदम रहते हैं इसी मिट्टी के हैं। कभी बच्चा बैठा हुआ है 655 नंबर ले आया है नीट में, कोई सीए मेरा बात होता आप यकीन मान ले कसम खा के कह रहा हूँ, कभी जब मैं ये लिस्ट देख रहा था रास्ते में था गाड़ी में तो मैं देखा था IIT, तो मैंने सोचा यार ये सब उसको तो 30-20 तो नहीं पकड़ा रहे। तो मैंने नोमान से आगे पूछा यार आप यकीन मान लो इट इज नॉट ए जोक, इट इज ट्रुथ। मैंने नोमान से पूछा मैंने कहा भाई तुम लोगों ने IIT लिखा तो ये वो अपनी IIT वही बच्चे कह रहे हाँ हमारे बच्चे आए। तो मैं मुझे लगा कि मैंने कहा ना कि वो बड़ा इमोशनल मैं अपने आप में मुझे लगा कि मेरे आंसू नहीं आते, मैं दिखावटी तो नहीं करता। मैंने कहा कि वाकई आज जहाँ नीयत होती है अच्छी वहां अल्लाह भी मदद करता है, कोई चीज अगर आप ईमानदारी से करें तो ऊपर वाला भी उसमें आपकी मदद यकीनन मदद करता है। और प्रिंसिपल साहिबा हमने हमेशा कहा इस स्टेज से और दोबारा दोहराते हैं हम क्या हम थे माली है, हमने एक पेड़ लगाया अब इस पेड़ को आप लोग सींच के बड़ा कर रहे हैं। तो मैं तो आप मेहमानों से भी कहता हूँ कि जो दरोबार की जीनत है उनसे मिले, हम तो बुनियाद के पत्थर है नजर क्या है, हम नहीं चाहते कि हमारा कोई लोग ये हमारी जो टीम है हमारे जो टीचर्स है हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं। तो भी कहता हूं ये मेरे लिए कोई स्टाफ नहीं है, ये हमारा परिवार है, फैमिली है, दिस इज माय फैमिली। उसी तरीके से फैमिली है जैसे मेरे भाई बहन है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरी बहन है, उसी तरीके से यहाँ काम करने वाला वो भी जो पानी पिलाता वो भी और वहां से शुरू होकर पहुंचे जो प्रिंसिपल तक जाते हैं दे आर ऑल माई फैमिली। और इंशाल्लाह जब तक मैं जिंदा हूं जब तक मेरी सांसें चल रही हैं मैं एक गार्जियन के तरीके से एक पहाड़ के तरीके से आपके साथ खड़ा हुआ। जहां आपको जिंदगी में सिर्फ इस स्कूल से रिलेटेड बातें नहीं है, अगर पर्सनल लाइफ में भी कोई बात आ जाए तो मैं कोई कमजोर आदमी भी नहीं हूँ, मैं अपने लोगों के लिए किसी भी हद तक जा सकता। उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं में चलाई जा रही पद यात्रा के क्रम में आज सदर विधानसभा में बीजेपी हटाओ महंगाई भगाओ पद यात्रा के क्रम में जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में गांधी तराय से बापू को नमन कर पद यात्रा आरंभ हुई और कांग्रेस पार्टी का प्रतिज्ञा पत्र वितरित किया गया। पद यात्रा का आरंभ झंडारोहण के साथ किया गया एवं पद यात्रा के अंत में तकिया मोहल्ले में नुक्कड़ सभा की गई। पद यात्रा में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह एवं विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रभारी आजमगढ़ अहमद शमशाद उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 32,240 किलोमीटर की पद यात्रा कर रही है। प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में 10 दिन तक पद यात्रा के माध्यम से जनता से सीधा संवाद स्थापित कर महंगाई और सरकार के कुशासन पर चर्चा की जा रही है और जनता को जागरूक किया जा रहा है। जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है अपने सभी मोर्चों पर पूरी तरह से विफल साबित हुई है, महंगाई चरम पर है। सरकार अपने 4.5 साल के कार्यकाल में अब तक अपने किए किसी वादे को पूरा नहीं कर पाई है।
महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सुरक्षा जैसे तमाम जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार मौन साधे हुए है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो अपने सभी प्रतिज्ञाओं को निश्चित पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह हताश और निराश है, कांग्रेस की तरफ से आशा भरी निगाहों से देख रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरेगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अहमद शमशाद ने कहा, कोरोना काल में सरकार के कुप्रबंधन के कारण आम जनता अभी तक पूरी तरह त्रस्त है। उनके अतिरिक्त महंगाई की बेतहाशा वृद्धि से आम जन को घर चलाना मुश्किल हो गया है। सरकार झूठे वादे कर जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश के सभी विधानसभाओं में 10 दिवसीय पद यात्रा के दौरान आम जन से महंगाई को लेकर नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से सरकार की गलत नीतियों और उसके कुप्रबंधन पर जनता को जागरूक किया जा रहा है और सरकार से महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। अपने संबोधन में जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि बीजेपी विपक्ष में रहते हुए महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार दूर करने और एवं महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर सत्ता में आई, लेकिन पूरी तरह फेल साबित हुई। प्रदेश में जंगल राज की स्थिति है। उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को हटाने, कांग्रेस को लाने का मन बना चुकी है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस सचिव राम अवध यादव, हवलदार सिंह, ओंकार पांडे, अरविंद पांडे, मुन्नू यादव, अजीत राय, मोहम्मद आमिर, अमर बहादुर यादव, विशाल दुबे, आशुतोष रजत, शंभु शास्त्री, यशव खान, पीयूष सिंह, अभय राज उपस्थित रहे। इसकी अखिल भारतीय हमारी महासचिव प्रियदर्शनी प्रियंका गांधी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के लिए 14 तारीख से, यानी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती थी उस दिन से 24 तारीख तक प्रत्येक विधानसभाओं में, प्रत्येक जनपदों में, गाँव गाँव, गली गली जा करके जन जागरण का एक कार्यक्रम शुरू किया है और जिसमें कांग्रेस के सभी वरिष्ठ साथी अपनी पूरी ताकत के साथ इस पदयात्रा में चल रहे हैं। और इस पदयात्रा का जो मूल उद्देश्य है वो जो भारत की सरकार 2014 में जो हुकूमत आई थी, उस हुकूमत ने किस तरह लोगों को बरगलाया है, किस तरह लोगों के विश्वास के साथ खेला है और विश्वासघात किया है, ये लोगों को बताने का वक्त आ गया है। और जिस तरीके की सरकार चल रही है इस समय, महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, मुश्किल हालात से लोग मुहाल हैं जीने के, और ऐसे हालात में कांग्रेस ने ये बीड़ा उठाया है कि हम गांव गांव, गली गली जाकर के लोगों को सचेत करेंगे, जन जागृत करेंगे, लोगों के बीच में एक आवाज़ बुलंद करेंगे और ये बताएंगे कि इस सरकार ने आपको किस तरह से धोखा देने का काम किया है और सही वक्त आ गया है इस सरकार को सही जगह भेजने का। इसीलिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की हमारी राष्ट्रीय महासचिव बहन प्रियंका गांधी ने यह संदेश लोगों तक, आवाम तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी कांग्रेस के सिपाहियों को सौंपी है उसको हम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। ये यात्रा तो पूरे जनपद की 10 विधानसभाओं में वहाँ के नेताओं के नेतृत्व में चल रही है। जहाँ तक सवाल आज का था, आज हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष आदरणीय विश्वविजय सिंह और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में गांधी जी की प्रतिमा के नीचे से एक संकल्प के साथ शुरू हुई और आजमगढ़ के विभिन्न मोहल्लों से होती हुई, गलियों से गुजरती हुई और सड़कों पर चलती हुई, लोगों को जागरूक करते हुए तकिया के मुसाफिर खाने पर एक नुक्कड़ जनसभा हुई है, जहां ढेर सारे लोगों ने कांग्रेस के संकल्प के साथ जुड़ने का अपना वो दिखाया है और लोग जुड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ। जरूर बदलाव की बयार 2022 में बहने वाली है। आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के खरकौली गांव निवासिनी पीड़िता अजय लक्ष्मी मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक को पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता ने बताया कि उसके जेठ और जेठानी ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया तथा जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस अधीक्षक को पत्र देने आई कप्तानगंज थाना क्षेत्र के खरकौली गांव निवासिनी पीड़िता अजय लक्ष्मी मिश्रा ने बताया कि 10 नवंबर को वह अपनी बहन की बेटी के साथ अपने बच्चों को दवा लेने बाजार गई थी। उस समय संपत्ति विवाद को लेकर जेठ भावेश चंद्र मिश्रा, जेठानी मंजू मिश्रा और अनिल मिश्रा ने उसके कमरे के गेट में ताला बंद कर दिया और कहा कि जाओ, इस घर में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। जब मैंने कारण पूछा तो भावेश मिश्रा पुत्र कृष्ण मोहन मिश्रा, देवेंद्र मिश्रा पुत्र सुभाष मिश्रा, हरेंद्र मिश्रा, दुर्गेश मिश्रा तथा सुभाष के दामाद मुझे लात मुक्का व डंडा से मारने लगे। शोर होने पर अगल बगल के लोग आए तो वह लोग जान से मारने की धमकी देकर भाग गए।
पीड़िता ने अपनी बहन की लड़की दिव्या मिश्रा को साथ लेकर थाने गई। वहां विरोधियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया। विरोधी मेरी बहन की लड़की को धमकी देते हैं कि यहां मत आया करो तथा कई बार इसके साथ दुर्व्यवहार भी किए। विरोधियों ने यह भी कहा कि यदि मारपीट के मामले में तुम गवाही दोगी तो तुम्हें फर्जी मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। विरोधियों ने यह भी कहा कि स्थानीय पुलिस हम लोगों के प्रभाव में तुम मुकदमा दर्ज कराकर कुछ बिगाड़ नहीं पाओगी। पीड़िता पुलिस अधीक्षक को पत्र सौंपकर उच्च अधिकारियों से जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। लगाया जा रहा जो ये बेबुनियाद आरोप हैं, इसमें क्या नाम है जो दिखा रहे हैं कि हम डंडे से उनको मार रहे हैं, या वो लोग कह रहे हैं किसी महिला को मारा जा रहा है, उसमें कोई किसी को नहीं मार रहा। वो मुझे भावेश मिश्रा जो है, मैं मौसी के घर दवा देने गई इनके बच्चे को, वो मुझे गाली देने लगे गेट पे ही। नहीं, विवाद जमीन को लेके है, मौसी का हिस्सा लोग नहीं दे रहे हैं और उसको मारे पीटे लोग, मुझे भी डंडे से मारे। बस वही डंडा मेरे ऊपर जब फेंक के मारे, वही डंडा मैं उठा ली हूँ और इसके बाद मुझे लोग गाली ग्लौज देने लगे। वही डंडा मैं भी उनको उठा के लेके गई, लेकिन मैं किसी को मारी वारी नहीं, ना किसी को मेरे डंडे से चोट आई है। क्या कहा जा रहा है, क्या चाहती है आप लोग? हम यही चाहते हैं कि सर न्याय इस चीज़ की जाए और न्यायिक जाँच बिठाई जाए। ये मामला ये जाँच किसी और थाने से कराई जाए, कप्तानगंज थाने से नहीं कराई जाए, क्योंकि कप्तानगंज इंस्पेक्टर जो बिंद कुमार हैं ये मिले हुए हैं और हमारे ऊपर इसलिए दबाव, ये सब वीडियो दिखा के बनाया जा रहा है, ये थाने का ही षड्यंत्र है। इसमें क्या नाम है, मैं सोच रही हूँ कि क्या नाम है, इसको दूसरे थाने से करवाया जाए। और इसमें जो भी है, मैं गवाहदार हूँ, मौसी की उनके दो पड़ोसी हैं गब्बर मुलायम, वो भी गवाहदार हैं और क्या नाम है, वो भी गवाही दिए हैं कि यहाँ मारते पीटते देखे हैं। तो इसलिए इंस्पेक्टर साहब का ये सब षड्यंत्र रचा हुआ है कि दूसरी पार्टी के खिलाफ आप लोग बोलिए, हमारे ऊपर मुकदमा लिख के व हमारे परिवार के ऊपर मुकदमा लिख के हमको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं ये लोग। क्या चाहते हैं आप लोग जी? कप्तान साहब बोले कि क्या नाम है, इसकी हम निष्पक्ष कार्रवाई करवाएंगे और इसकी जाँच करवाई जाएगी, जो सही रहेगा उस मामले को हम क्या नाम है देखते हैं फिर। दुनिया का नामचीन मोती महल रेस्टोरेंट अब आपके शहर आजमगढ़ में USA, लंदन, बहरेन, UAE सहित देश विदेश में 100 आउटलेट, वेज, नॉन वेज, इंडियन, चाइनीज और थाईलैंड के लजीज व्यंजन के साथ ही मोती महल की मशहूर तंदूरी चिकन उपलब्ध। वैलेट पार्किंग की विशेष व्यवस्था, आपको वेज है पसंद या आप नॉन वेज के शौकीन हैं, दोनों जरूरतों को पूरा करेगा मोती महल रेस्टोरेंट, सेंट्रल बैंक के नीचे चौक रोड, पुरानी सब्जी मंडी आजमगढ़। जनपद के 80 वर्ष पुराने रघुनंदन प्रसाद रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स आसिफगंज, पुरानी कोतवाली आजमगढ़ की नई ब्रांच रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल सिधारी आजमगढ़। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं हीरे की पूर्णतः हॉलमार्क ज्वेलरी 100% वापसी पर उपलब्ध, आसान किश्तों पर हॉलमार्क ज्वेलरी उचित मूल्य पर प्राप्त करें। ज्वेलरी की शुद्धता मापने के लिए फ्री कैरोमीटर की व्यवस्था। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों की हो खरीदारी, आपके भरोसे पर हमेशा खरा उतरेगा रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल सिधारी आजमगढ़। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।